नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं क्रेजी राइडर रूडी एंड आज आप लोगों के सामने मैं एक वीडियो पेश करने वाला हूं जो कि राइडिंग लेके नहीं होगा और या तो डाइकास्ट लेके नहीं होगा। जी हां, ये वीडियो होगा एज आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन देख चुके हैं, इंडियन आर्मी की रेजिमेंट्स जो है उसके ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर बंदे को उतना पता नहीं होता है कि इंडियन आर्मी जो कि वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है उसका कितना रेजिमेंट्स है और उनका क्या क्या काम जनरली होता है और वर्क क्या होते हैं और हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को जिसमें मैं आपको डिटेल में आज बताने वाला हूँ इंडियन आर्मी के कितने रेजिमेंट्स हैं और उनका वर्क और हेडक्वार्टर कहाँ है। तो लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी के जितने रेजिमेंट्स हैं उसको सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए मैंने उसे टोटल 5 डिवीजन में डिवाइड किया है। एक आता है स्काउट्स रेजिमेंट, सेकंड आता है इन्फेंट्री रेजिमेंट्स, थर्ड आता है मैकेनाइज्ड रेजिमेंट्स, फोर्थ आते हैं टेक्निकल रेजिमेंट्स और फिफ्थ आते हैं सपोर्ट रेजिमेंट्स। नाउ स्काउट्स रेजिमेंट का काम होता है रिकॉनसेंस पेट्रोलिंग, इन्फेंट्री रेजिमेंट्स का काम होते हैं डायरेक्ट फाइटिंग, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के काम होते हैं एडिशनल फायर पावर विद मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट्स, टेक्निकल रेजिमेंट्स के काम होता है टेक्निकल एस्पेक्ट जैसे कि सिग्नलिंग और मेंटेनेंस और रोड कंस्ट्रक्शन ये सब देखने का, और सपोर्ट रेजिमेंट के काम होता है लॉजिस्टिक्स, पोस्टेज डिलीवरी, मेडिकल हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सबको देखना। स्काउट्स रेजिमेंट्स इसमें आता है लद्दाख स्काउट्स, अरुणाचल स्काउट्स, सिक्किम स्काउट्स और डोगरा स्काउट्स। लद्दाख स्काउट्स इसका रेजिमेंटल सेंटर है लेह लद्दाख में और इसकी वार क्राई है की सोसो लार्ग्यालो। अरुणाचल स्काउट्स जो कि ये एक नई फॉर्म्ड रेजिमेंट है और इस रेजिमेंट को बनाया गया था या कार्व्ड आउट किया गया था असम रेजिमेंट के अंदर से, तो इसका रेजिमेंटल सेंटर भी असम रेजिमेंट के रेजिमेंटल सेंटर में है जो कि है हैप्पी वैली शिलोंग में जो मेघालय में स्थित है, और इसका वॉर क्राई है राइनो चर्च जो कि असम रेजिमेंट का वॉर क्राई है। सिक्किम स्काउट्स जो कि कार्व आउट किया गया था 11 गोरखा राइफल्स से, सो इसका रेजिमेंटल सेंटर और वॉर क्राई भी 11 गोरखा राइफल्स की जैसे सेम है। इसका रेजिमेंटल सेंटर है लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका वॉर क्राई है जय मां काली आयो गोरखाली। डोगरा स्काउट्स जो कि इंडियन आर्मी की डोगरा रेजिमेंट से कार्व्ड आउट किया गया है, तो इसका है रेजिमेंटल सेंटर और वॉर क्राई डोगरा रेजिमेंट के जैसे ही है। इसका रेजिमेंटल सेंटर है फैजाबाद उत्तर प्रदेश में और इसका वॉर क्राई है ज्वाला माता की जय। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि डोगरा रेजिमेंट का जो डोगरा स्काउट्स होते हैं उनका अलग सा कोई हेडक्वार्ट नहीं होता, वो नॉर्मल डोगरा रेजिमेंट का ही सब कुछ यूज करते हैं, सिर्फ शोल्डर में उनका स्काउट्स लिखा हुआ रहता है जैसे कि डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये डोगरा रेजिमेंट इन्फेंट्री है और ये डोगरा स्काउट्स है। अब आते हैं इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री रेजिमेंट के बारे में। टोटल इंडियन आर्मी में 28 इन्फेंट्री रेजिमेंट्स है जो कि है असम रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, 1 गोरखा राइफल्स, 3 गोरखा राइफल्स, 4 गोरखा राइफल्स, 5 गोरखा राइफल्स, 8 गोरखा राइफल्स, 9 गोरखा राइफल्स, 11 गोरखा राइफल्स, ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, जाट रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री, मैकेनाइज इन्फेंट्री, नागा राइफल्स, पंजाब रेजिमेंट, पैराशूट रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री एंड राष्ट्रीय राइफल्स। असम रेजिमेंट इसका रेजिमेंटल सेंटर है शिलोंग मेघालय में और वार क्राई है राइनो चार्ज। बिहार रेजिमेंट इसका रेजिमेंटल सेंटर है दानापुर बिहार में और इसका वार क्राई है जय बजरंग बली। डोगरा रेजिमेंट इसका रेजिमेंटल सेंटर है फैजाबाद उत्तर प्रदेश में और इसका वार क्राई है ज्वाला माता की जय। गढ़वाल राइफल्स
जिसका रेजिमेंटल सेंटर है लैंसडाउन उत्तराखंड में, जिसका वॉर क्राई है बद्री विशाल लाल की जय। वन गोरखा राइफल्स, इसका रेजिमेंटल सेंटर है सुबाथु हिमाचल प्रदेश में, और इसका वॉर क्राई है जय मां काली आयो गोरखाली। थ्री गोरखा राइफल्स, इसका रेजिमेंटल सेंटर है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और इसका वॉर क्राई है जय मां काली आयो गोरखाली। फोर गोरखा राइफल्स, इसका रेजिमेंटल सेंटर है सुबाथु हिमाचल प्रदेश में, और इसका वॉर क्राई है जय मां काली आयो गोरखाली। फाइव गोरखा राइफल्स और फ्रंटियर फोर्स, इसका रेजिमेंटल सेंटर है शिलोंग मेघालय में, और इसका वॉर क्राई है जय मां काली आयो गोरखाली। एट गोरखा राइफल्स, इसका रेजिमेंटल सेंटर है शिलोंग मेघालय में, इसका वॉर क्राई है जय मां काली आयो गोरखाली। नाइन गोरखा राइफल्स, जिसका रेजिमेंटल सेंटर है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, इसका वॉर क्राई है जय मां काली आयो गोरखाली। 11 गोरखा राइफल्स, जिसका रेजिमेंटल सेंटर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इसका वॉर क्राई है जय मां काली आयो गोरखाली। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट, इसका रेजिमेंटल सेंटर है जबलपुर मध्य प्रदेश में, और इसका वॉर क्राई है विजय या वीरगति। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, इसका रेजिमेंटल सेंटर है जबलपुर मध्य प्रदेश में, और इसका वॉर क्राई है दुर्गा माता की जय। जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, इसका रेजिमेंटल सेंटर है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, इसका वॉर क्राई है भारत माता की जय। जाट रेजिमेंट, इसका रेजिमेंटल सेंटर है बरेली उत्तर प्रदेश में, और इसका वॉर क्राई है जाट बलवान जय भगवान। कुमाऊं रेजिमेंट, इसका रेजिमेंटल सेंटर है रानीखेत उत्तराखंड में, और इसका वॉर क्राई है कालिका माता की जय। मद्रास रेजिमेंट, इसका रेजिमेंटल सेंटर है वेलिंगटन तमिलनाडु में, और इसका वॉर क्राई है वीरा मद्रासी आदिकोलू आदिकोलू। महार रेजिमेंट, इसका रेजिमेंटल सेंटर है सौगर मध्य प्रदेश में, और इसका वॉर क्राई है बोलो हिंदुस्तान की जय। मराठा लाइट इन्फेंट्री, इसका रेजिमेंटल सेंटर है बेलगांव कर्नाटका में, और इसका वॉर क्राई है बोलो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इसका रेजिमेंटल सेंटर है अहमदनगर महाराष्ट्र में, और इसका वॉर क्राई है बोलो भारत माता की जय। नागा राइफल्स, इसका रेजिमेंटल सेंटर है रानीखेत उत्तराखंड में, और इसका वॉर क्राई है जय दुर्गा नागा। पैराशूट रेजिमेंट, इसका रेजिमेंटल सेंटर है बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसका वॉर क्राई है बलिदान परम धर्मा। पंजाब रेजिमेंट, इसका रेजिमेंटल सेंटर है रामगढ़ झारखंड में, और इसका वॉर क्राई है जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। राजपूताना राइफल्स, इसका रेजिमेंटल सेंटर न्यू दिल्ली में है, और इसका वॉर क्राई है राजा रामचंद्र की जय। राजपूत रेजिमेंट, इसका रेजिमेंटल सेंटर है फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में, और इसका वॉर क्राई है बोल बजरंगबली की जय। राष्ट्रीय राइफल्स, ये राष्ट्रीय राइफल्स अलग सा एक रेजिमेंट है जो नॉर्मल इन्फेंट्री रेजिमेंट के जैसे यूज नहीं होता, ये काउंटर इंसर्जेंसी में स्पेशलाइज होते हैं। इस रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर है जम्मू एंड कश्मीर में, और इसका कोई वॉर क्राई नहीं होता, इसका मोटो है धीरता और वीरता। इस रेजिमेंट में डायरेक्टली कोई ऑफिसर या अदर रैंक्स ज्वाइन नहीं कर सकते। राष्ट्रीय राइफल्स एक डिप्लोशन वाला फोर्स है जिसमें एक एग्जिस्टिंग सर्विस वाला बंदे ही अप्लाई कर सकते हैं। सिख लाइट इन्फेंट्री, इसका रेजिमेंटल सेंटर है फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में, और इसका वॉर क्राई है जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सिख रेजिमेंट, इसका रेजिमेंटल सेंटर है रामगढ़ झारखंड में, और इसका वॉर क्राई है जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। मैकेनाइज रेजिमेंट्स, इसमें आता है आर्मी एविएशन कॉर्प्स, आर्मर्ड कॉर्प्स, कॉर्प्स ऑफ आर्टिलरी, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड्स, कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस एंड मिसाइल रेजिमेंट।
आर्मी एविएशन कॉर्प्स, इसका रेजिमेंटल सेंटर है न्यू दिल्ली में और इसका मोटो है स्विफ्ट एंड श्योर। आर्मी एविएशन कॉर्प्स इंडियन आर्मी का एयरबोर्न यूनिट है जिसमें हम लोग हेलीकॉप्टर्स रहते हैं और इसका मेन जॉब रोल होते हैं कि मेडिकल इवैक्यूएशन, रिकॉनोसेंस एंड ऑब्जर्वेशन। आर्मर्ड कॉर्प्स का हेडक्वार्टर और रेजिमेंटल सेंटर है अहमदनगर महाराष्ट्र में और इसका मोटो है अहम वीर युद्ध स्थले। आर्मर्ड कॉर्प्स के पास टैंक्स रहते हैं जिससे कि आर्मर्ड वॉरफेयर लड़ा जाए। आर्टिलरी या तोपखाना, कॉर्प्स ऑफ आर्टिलरी भी कहते हैं इसे, इसका रेजिमेंटल सेंटर है नासिक महाराष्ट्र में और इसका मोटो है सर्वत्र इज्जत और इकबाल। बोफोर्स गन 130mm मीडियम फील्ड गन, मल्टी बटन रॉकेट लॉन्चर, ये सब इस रेजिमेंट के अंडर में रहते हैं। गेट ऑफ द गार्ड्स, इस रेजिमेंट के रेजिमेंटल सेंटर है केम्प्टी महाराष्ट्र में और इसका वॉर क्राई है गरुर काहुन बोल प्यारे। ये रेजिमेंट एक मेकनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट्स है जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर लेके फाइट करते हैं। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड एक आर्मर्ड यूनिट है पर हम लोग इसे हाउस होल्ड कैवेलरी के नाम से भी जान सकते हैं। इसका रेजिमेंटल सेंटर है न्यू दिल्ली में और इसका मोटो है भारत माता की जय। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का मेन जॉब रोल होता है भारत का प्रेसिडेंट का सेफ्टी एंड ऑन सेरिमोनियल पर्पसेस हॉर्स कैवेलरी जो हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के सामने और पीछे रहते हैं, यह है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस, आर्मी एयर डिफेंस का रेजिमेंटल सेंटर और एयर डिफेंस कॉलेज है गोपालपुर उड़ीसा में और इसका मोटो है आकाश है शत्रु जीत। इस रेजिमेंट के जॉब रोल होते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल्स और जो एयर स्पेस है इंडिया का उसका ख्याल रखना। मिसाइल रेजिमेंट के पास ब्राह्मोस, अग्नि जैसे कि सब बड़े बड़े मिसाइल्स रहते हैं। ये भी आर्टिलरी रेजिमेंट का ही एक पार्ट है। इसका भी रेजिमेंटल सेंटर नासिक महाराष्ट्र में है और मोटो है सर्वत्र इज्जत हो इकबाल। टेक्निकल रेजिमेंट्स, इसमें आता है कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स जिसको सिग्नल रेजिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, इसका रेजिमेंटल सेंटर है न्यू दिल्ली में, इसका मोटो है तीव्र चौकस। ट्रेनिंग सेंटर है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंजीनियरिंग मऊ मध्य प्रदेश में। सिग्नल रेजिमेंट का मेन जॉब रोल होता है टेलीकम्युनिकेशंस बनाए रखना। इस रेजिमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनपैक रेडियो सेट, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, इंटरनेट कम्युनिकेशंस, जैसे कि व्हाट टाइम में सब कुछ ठीक ठाक चले कम्युनिकेशंस के तरफ से, सिग्नल जैमिंग, साइबर वॉरफेयर, इस सब के लिए सिग्नल रेजिमेंट रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। कॉर्प्स ऑफ आर्मी इंजीनियर्स और सैपर्स, इसका रेजिमेंटल सेंटर है न्यू दिल्ली में, इसका मोटो है सर्वत्र, इसका ट्रेनिंग सेंटर है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे महाराष्ट्र में। इंडियन आर्मी का जो इंजीनियर्स रेजिमेंट है इसके अंडर में तीन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, एक है बंगाल सैपर्स, सेकंड मद्रास सैपर्स, थर्ड बॉम्बे सैपर्स। बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप और बंगाल सैपर्स, इसका रेजिमेंटल सेंटर है रुड़की उत्तराखंड में, इसका मोटो है गॉड्स ओन। मद्रास इंजीनियर ग्रुप और मद्रास सैपर्स, इसका रेजिमेंटल सेंटर है बेंगलुरु कर्नाटका में, इसका मोटो है सर्वत्र। बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप और बॉम्बे सैपर्स, इसका रेजिमेंटल सेंटर है पुणे महाराष्ट्र में और इसका मोटो है सर्वत्र। इंजीनियर्स रेजिमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं रोड वेस्ट कंस्ट्रक्शन, माइन प्लांटिंग, माइन डिफ्यूशन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा के लिए। कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स और EME, इसका रेजिमेंटल सेंटर है सिकंदराबाद तेलंगाना में और मोटो है कर्म ही धर्म। EME रेजिमेंट रिस्पॉन्सिबल रहते हैं मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, टैंक्स, ट्रक्स,
कार्स, बसेस, बाइक्स, ये सब के लिए बेस डिपो, ईएमई सेंटर्स जो होते हैं उसमें बेस गराजेस होते हैं जिसमें ये सब मेंटेन होते हैं, आर्मर्ड कॉलम के साथ और जो जितना भी मैकेनिकल और मैकेनाइज्ड कॉलम्स है उसके साथ ईएमई रेजिमेंट का एसोसिएशन रहते हैं। सपोर्ट रेजिमेंट में टोटल 12 रेजिमेंट्स आते हैं, जैसे कि आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कॉर्प्स, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉर्प्स, आर्म फोर्सेस डेंटल कॉर्प्स, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स, आर्मी इंटेलिजेंस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, आर्मी पोस्टल कॉर्प्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस, पायोनियर कॉर्प्स, रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स। आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कॉर्प्स जिसे हम लोग PTC भी बोलते हैं, उसका ट्रेनिंग सेंटर है पुणे महाराष्ट्र। इस रेजिमेंट का मूल उद्देश्य होता है कि आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का फिजिकल ट्रेनिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना, उन लोगों को ट्रेनिंग देना और फिजिकली फिट रखना। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉर्प्स AMC, उसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र, जो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज AFMC में है। उसका मोटो है सर्वे संतु निरामया। यही एक रेजिमेंट है जिसमें ट्राई सर्विस रेजिमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, इसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के डॉक्टर्स आके एक साथ सर्विस देते हैं, बट इसका हायरार्की इंडियन आर्मी के हिसाब से ही होते हैं। आर्मी डेंटल कॉर्प्स ADC, इसका रेजिमेंटल सेंटर है पुणे महाराष्ट्र आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में, और इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। ये रेजिमेंट इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स के डेंटल इशू को लेके डील करते हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज MNS, इसका रेजिमेंटल सेंटर है पुणे महाराष्ट्र आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में, और इसका मोटो है सर्विस विथ स्माइल। यही एक रेजिमेंट है जिसमें फुल वुमेन कंटिजेंट है इसमें, और इसमें कोई JCO, NCO और OR का रैंक नहीं रहता। यही एक रेजिमेंट है जिसमें ऑल इन ऑल ऑफिसर्स रहते हैं। आर्मी एडुकेशन कॉर्प्स AEC, इसका रेजिमेंटल सेंटर है पंचमाढ़ी मध्य प्रदेश में, और इसका मोटो है उद्यैव बालम। और यही एक रेजिमेंट है जिस रेजिमेंट का रिस्पॉन्सिबल रहता है एडुकेशन, ट्रेनिंग, सब कुछ एक साथ देखना। और एक रेजिमेंट है जो इंडियन आर्मी का जितना भी बैंड्स है उसका ट्रेनिंग और मेंटेनेंस भी करते हैं। हर एक रेजिमेंट में जो रिलीजियस टीचर्स होते हैं RT, वो आर्मी एडुकेशन कॉर्प्स से बिलोंग करते हैं। आर्मी इंटेलिजेंस कॉर्प्स AIC, इसका रेजिमेंटल सेंटर है न्यू दिल्ली में, और इसका मोटो है सदा सतर्क। इंडियन आर्मी का जो इंटेलिजेंस या स्पाइंग डिपार्टमेंट है वो इसी रेजिमेंट से बिलोंग होते हैं। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स AOC, इसका रेजिमेंटल सेंटर है सिकंदराबाद तेलंगाना में, और इसका मोटो है शस्त्र से शक्ति। ये रेजिमेंट आर्मी के ऑर्डिनेंस, एम्यूनिशंस, आर्म्स, राशन, फ्यूल सब का मौजूदगी विद यूनिफॉर्म एवरीथिंग का टेक केयर करते हैं। आर्मी पोस्टल कॉर्प्स APC, इसका रेजिमेंटल सेंटर है न्यू दिल्ली में, और इसका मोटो है मेल मिलाप। ये ऐसा एक यूनिक रेजिमेंट है जिसको कंट्रोल करते हैं इंडियन आर्मी, बट इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ पोस्टल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ पोस्टेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये एक ही ऐसा इंडियन आर्मी के रेजिमेंट्स है जिसमें इंडियन आर्मी से भी रिक्रूट होते हैं, इंडियन पोस्टल सर्विस जो होते हैं UPSC के माध्यम से वहाँ से डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं। आर्मी सर्विस कॉर्प्स और ASC, इसका रेजिमेंटल सेंटर है बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसका मोटो है सेवा असम अकम धर्महा। ये रेजिमेंट ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ट्रक्स, बसेस इस सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस MP और CMP, इसका रेजिमेंटल सेंटर है बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसका मोटो है सेवा तथा सहायता। इस रेजिमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है आर्मी हेडक्वार्टर्स और आर्मी कंटोनमेंट में लॉ एंड ऑर्डर का पालन रखना, और इसको प्रोवोस्ट यूनिट भी कहते हैं। पायोनियर कॉर्प्स और PC,
इसका रेजिमेंटल सेंटर है बेंगलुरु कर्नाटका में और इसका मोटो है श्रम सर्वा विजय। ये एक रेजिमेंट है जो टोटली नॉन कॉम्बैट आर्म है और ये रेजिमेंट रोड बिल्डिंग से लेके कम्युनिकेशन सेटअप से लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं। रिमाउंट वेटरिनरी कॉर्प्स और आरवीसी ये एक रेजिमेंट है जिसका रेजिमेंटल सेंटर है मीरठ उत्तर प्रदेश में और इसका मोटो है पशु सेवा अस्माकम धर्मः। ये रेजिमेंट इंडियन आर्मी के जितने भी एनिमल्स रहते हैं जैसे कि घोड़ा, स्निफर डॉग्स, समटाइम्स कैमल्स और जो म्यूल्स होते हैं जिसे हम खच्चर बोलते हैं, जो आर्मी सर्विस कॉर्प्स के एटी मींस एनिमल ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के अंडर में पड़ते हैं, ये सब एनिमल्स का ब्रीडिंग, हाइजीन, उनका हेल्थ वगैरह, ट्रेनिंग, सबके ख्याल रखते हैं। दोस्तों अभी बात करते हैं तीन स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसके साथ इंडियन आर्मी का कोलैबोरेशन रहता है, जैसे कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और असम राइफल्स। दोस्तों स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो होता है वो रेजिमेंट इंडियन आर्मी कंट्रोल करते हैं, बट ये रेजिमेंट डायरेक्टली एफिलिएटेड है रॉ के अंडर में, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसके अंडर में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एसोसिएटेड रहते हैं। इस रेजिमेंट का खासियत यही है कि ये रेजिमेंट का जो कंपोजिशन है सोल्जर्स का, ये टिबेटियन सोल्जर्स होते हैं। जैसे आप लोगों को शायद पता ही है कि टिबेट गवर्नमेंट एग्जाइल में है इंडिया में, मैक्लियोटगंज हिमाचल प्रदेश में, दलाई लामा भी यहीं पे है। तो जो टिबेटियन पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को खास करके स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में रिक्रूटमेंट होते हैं एंड उसका एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन आर्मी के ऑफिसर ऑन डेपुटेशन जाके करते हैं। इस रेजिमेंट का रैंक और हायरार्की स्ट्रक्चर इंडियन आर्मी जैसा नहीं होता है। ये रेजिमेंट माउंटेन वॉरफेयर में माहिर होते हैं। इस रेजिमेंट को स्नो लायन के नाम से भी जाना जाते हैं। इसका बेटेलियन कमांडर को पॉलिटिकल ऑफिसर, जूनियर पॉलिटिकल ऑफिसर एटसेट्रा ऐसा रैंकिंग में डिवाइड किया जाता है। असम राइफल्स ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसको एडमिनिस्टर्ड और ऑर्गेनाइज करते हैं इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स, बट इसका जो डीजी है वो एक आईपीएस ऑफिसर है। इस रेजिमेंट का रिक्रूट जो है वो डायरेक्टली रेजिमेंटल रिक्रूट्स होते हैं, बट इनके जो ऑफिसर्स हैं वो इंडियन आर्मी के रेगुलर ऑफिसर्स हैं जो डेपुटेशन में आते हैं। इस रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर है शिलोंग मेघालय में और इसका मोटो है सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और NSG इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा और ट्रेनिंग सेंटर है मानेसर हरियाणा में। NSG एक एलीट काउंटर टेररिज्म एंड क्लोज कॉम्बैट फाइटिंग आर्म है जिसका ORJCO और ऑफिसर्स पैरामिलिट्री फोर्स से भी आ सकते हैं और इंडियन आर्मी से भी आ सकते हैं। ये डिपुटेशन में सर्विस होते हैं इन लोगों का और इन लोगों को हम लोग ब्लैक कैट के नाम से भी जानते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा मिला आप लोगों को। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा हर एक रेजिमेंट और जितना भी स्पेशल फोर्सेस है उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल हायरार्की के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमें पता चले कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे और इससे हम लोग को नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।